Hi guys, welcome back to my channel. My name is Divjyoti, a third year student pursuing political science honors from Delhi University. So, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले कि कैसे आप रजिस्टर करने वाले फॉर द एडमिशन फॉर दिस ईयर दैट इज़ 2021. सो ये है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट एंड द प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. सो वील सी हाउ टू रजिस्टर फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थ्रू मेरिट बेस्ड. एंड ये है ऑफिशियल वेबसाइट एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटी एडमिशन. एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि एटलीस्ट दो तीन बार दिन में चेक करते रहो फॉर एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सो लेट्स सी क्या क्या स्टेप्स रहते हैं. सो जल्दी से कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये रहा हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस ईयर्स एडमिशन दैट इज़ 2021 to 2022. अब जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे आपको ध्यान में रखना है वाइल रजिस्टरिंग एंड फिलिंग दी फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है. सो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो 2 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 31 अगस्त. एंड विद इन दिस पीरियड दैट इज़ फ्रॉम 2 अगस्त to 31 अगस्त यू हैव टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो पे फॉर द फीस. And the declaration of the cutoffs will be after 31st and it will be declared at this site, that is http://www.admission.uod.ac.in. I'll provide all the important links in the description below, so do check them out. And मैं यही suggest करूँगा कि जो ये site है आप एक काम करो कि जो phone से आप use करते हो या laptop इस website को bookmark कर लो और daily at least twice check करते रहो. Now, let's see what is the important pointers which you have to keep in mind. So the first pointer that is कि सभी को इसी portal के through आपको register करना है, that is www.admission.uod.ac.in. And there will be no offline admission for this year because of the COVID reasons. And you have to only appear for college when you have to verify your original documents. तभी आपको college जाना है for your verification of the documents. Now let's see what are the criteria for undergraduate programs. Now the candidate must be a citizen of India and he or she should have passed the class 12 examination of any board or university. Then there's this issue ki gap years. Suppose aap drop le rahe ho to unko admission milega ki nahi, so don't worry, you will get the admission and you will not be at any disadvantage for the purpose of admission. So अगर आप drop years ले चुके हो तो इससे आपको कोई effect नहीं होगा, आप आराम से admission ले सकते हो for Delhi University. Now candidates from Sikh and Christian minorities may also seek admission under the minority quota in minority colleges of university. For example, like Khalsa College. Okay, now these are the various quotas that are available, like PWD, children and widows of personnel of armed forces, then Kashmiri migrants, then Prime Minister's special scholarship for Jammu and Kashmir, then Sikkim's, and then there's ward quota, basically jinke mom dad DU se related DU officials, and then there's ECA quota, extracurricular, and lastly it's the sports quota. And here I would like to say few important things that अगर आप सेंट स्टीफेंस या फिर जीसस एंड मैरी कॉलेज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो देन यू हैव टू फिल टू फॉर्म्स. फर्स्ट दिस इज द डी यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द सेकेंड उनके जो रेस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट में फॉर्म होते हैं उनके फॉर्म भरने होंगे. सो इन टोटल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सेंट स्टीफेंस और जीसस एंड मैरी देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टू फॉर्म्स. सो मेक श्योर ऑफ दैट. नाउ अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में. सो जो बेसिक जो जनरल कैंडिडेट के लिए फीस है दैट इज ₹250 एंड द फीस फॉर SC ST और PWD इट्स 100. सिमिलरली स्पोर्ट्स इज ऑल्सो 100 एंड फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम इट इज़ अबाउट 750. एंड अगर आप एडमिशन ले रहे हो उसके बाद अगर आप कैंसिल करना चाहते हो देन देर विल बी पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज़.
तो गाइस अब देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मेरिट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सो वाइल रजिस्टरिंग यू हैव टू फिल द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्कोर्ड इन योर बोर्ड्स। सो बेसिकली जितने भी मेरिट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको बेस्ट 4 देने होते हैं। सो लेट्स सी अब कैसे उन्हें कैलकुलेट करेंगे। सो इन लिस्ट ए दैट इज़ द लैंग्वेज सब्जेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट 1। सो लेट्स से इफ़ यू हैव बंगाली और इफ़ यू हैव हिंदी, इन माई केस आई हैड इंग्लिश, सो आई विल सिलेक्ट द इंग्लिश स्कोर हेयर। सो यू कैन चूज 1 ओके फ्रॉम दिस लिस्ट ए दैट इज़ द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। एंड नेक्स्ट इज इन लिस्ट 2 एंड फ्रॉम लिस्ट 2 दैट इज़ इलेक्टिव और एकेडमिक सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज 3। सो इन माई केस आई हैड चूज लाइक ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री एंड देन पॉल साइंस। तो ये हो गए हमारे 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी एंड देन देयर बी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए। सो इन टोटल देयर विल बी बेस्ट 4। सो इन दिस वे यू विल गेट टू कैलकुलेट योर बेस्ट 4 मार्क्स। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड गाइस ये जो मेरिट का जो क्राइटेरिया होता है दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट। आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो डू चेक इट आउट। तो गाइस अब देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वाइल रिक्वायरिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द क्लास 10 सर्टिफिकेट, इट इज़ द मार्कशीट और द सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। Make sure it has properly mentioned your date of birth and your parents' name. And the next certificate, that is your class 12. And then if you have any caste certificate like SC, ST, OBC, EWS, CU, KM, then you can apply for that also. And also if you are from OBC, jaise ki non-creamy layer ho gaya, then you can also apply. But make sure that it is dated on or after March 31. This is important. जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर की, मेक श्योर इट हैज़ दिस डेट ऑन लाइक मार्च 31 या उसके बाद। सो दिस वाज अबाउट द OB एंड देन देयर इज़ द EWS सर्टिफिकेट। एंड लास्टली इफ यू आर फ्रॉम स्पोर्ट्स कैटेगरी देन यू हैव टू अपलोड योर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फ्रॉम द रेलेवेंट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो गाइज अब देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द UG पोर्टल। ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन होगा एक्सेप्ट फॉर योर वेरीफिकेशन। नाउ वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर दैट you enter a valid email ID and that email ID will be only used once. So you can't use that email ID twice. So make sure you fill the forms carefully. तो इसके बाद ये कुछ important चीज़ें आप देख सकते हो। And then the documents, मैंने आपको पहले ही बता दिया था documents, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। So the first thing is your class 10 certificate, then the class 12 certificate, then your reservation certificate, SC हो गए, ST या OBC या EWS anything, and then you have to get the self attested copy for your sports and ECA quota, and then you have to give a photo identity card like Aadhaar card, driving license, PAN, voter ID card, passport or your school identity card. So this was about the registration process, and then you have to fill the payment. Make sure you pay within the given time, अदरवाइज योर एडमिशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड। सो ये था बेसिकली कैसे आपको रजिस्टर करना है। एंड या दिस वॉज ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड ऑल द बेस्ट, आई होप यू गेट योर फेवरेट ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स। सो या गुड लक, बाय बाय, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।